नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। दो बज चुके, दो बजने के साथ ही हम खबर दो टूक लेकर हाजिर हो चुके हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे गोरखपुर की। माफियाओं पर शिकंजा कसा जा रहा गोरखपुर में योगी सरकार की तरफ से। राकेश यादव के घर पर चला है बुलडोजर। माफिया राकेश यादव का अवैध निर्माण गिरा दिया गया। पुलिस प्रशासन और विकास प्राधिकरण ने की कार्रवाई। राकेश यादव ने बुलरिया क्षेत्र में करा रखा था अवैध निर्माण। जेल में बंद माफिया राकेश यादव पर 52 केस दर्ज है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस प्रशासन ने विकास प्राधिकरण ने मिलकर की है ये कार्रवाई। माफिया राकेश यादव के घर पर चला बुलडोजर। अवैध तरीके से ये संपत्ति बनाई थी और 52 से ज्यादा केस इस पर दर्ज है और अभी ये जेल में बंद है और उसी पर देखिए कैसे बुलडोजर चल रहा है। इसे कहते हैं बाबा का बुलडोजर। इससे पहले भी आपको बता दें गोरखपुर में हाल ही में एक और माफिया पर शिकंजा कसा गया था। अब एक और माफिया के घर पर बुलडोजर चल रहा है। उसकी भी संपत्ति कुर्क की गई थी, सील की गई थी, वहां भी बुलडोजर चला था और यहां भी बाबा का बुलडोजर चल रहा है। गोरखपुर की बात करें तो सीएम सिटी का है और ऐसे में कहीं ना कहीं माफियाओं को वहीं धाराशाही किया जा रहा है उनके ही इलाके में प्रशासन की तरफ से। तो माफिया राकेश यादव के घर पर यह बुलडोजर, माफिया राकेश यादव का अवैध निर्माण गिरा दिया गया है। विनय हमारे साथ, हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। विनय, लगातार माफियाओं पर गोरखपुर के अंदर शिकंजा कसा जा रहा है। अभी दो दिन पहले एक माफिया पर शिकंजा कसा गया, अब एक और माफिया पर शिकंजा कसा है। जी बता दें, लगातार कार्रवाई हो रही है और ये तीसरे माफिया है जो टॉप 10 माफियाओं में है जिनके ऊपर बुलडोजर चल रहा है। पहले अजीत शाही पे चली, दूसरा कार्रवाई विनोद उपाध्याय पे थी और तीसरा जो है ये राकेश यादव का। राकेश यादव का मकान पे जीडीए का बुलडोजर चल रहा है। देखिए, ये 7000 स्क्वायर फीट की पूरी जमीन है जिसमें 2000 से स्क्वायर फीट से ज्यादा जमीन में मकान बना था, दो मंजिला मकान था। इसकी पूरी तरह से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जीडीए द्वारा की जा रही है। लगातार सुबह से ही जो है यहाँ जीडीए की टीम पहुंची थी, नगर निगम की टीम पहुंची थी और लगातार घर के अंदर से जो सामान है, जो घर के सामान थे उसको बाहर निकालने के पहले निकालने के बाद ये कार्रवाई चल रही है। पूरी टीम यहाँ मुस्तैद है और जीडीए की टीम भी यहाँ मुस्तैद है और जीडीए के जो कर्मचारी हैं लगातार सुबह से जो है कार्रवाई में लगे हुए हैं। और राकेश यादव जो माफिया जो 3 जून को कोर्ट में सरेंडर किया था 2019 के एक मामले में, उसने अपनी जमानत तोड़वा कर सरेंडर किया था और जिसके बाद वो उसको लग रहा था कि अब कार्रवाई से हम बच जाएंगे, लेकिन बाबा का बुलडोजर आज सुबह से ही गरजना शुरू कर दिया है। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें राकेश यादव की, जिस तरह आप बता रहे हैं कि वो अभी जेल में बंद है, उसके बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को कि उसकी बैकग्राउंड क्या थी और किस तरीके से उसने अवैध संपत्ति कमाई और यहाँ अवैध तरीके से निर्माण किया। तो देखो, राकेश यादव जो प्रदेश के 61वें माफियाओं में उसका नाम दर्ज है और गोरखपुर के टॉप 10 माफियाओं में दर्ज है और गुलहरिया का ये गुलहरिया थाना क्षेत्र में इसका मकान था और मकान ये इसने जो है रंगदारी और हत्या और हत्या के प्रयास के कई मामले दर्ज हैं। और गोरखपुर में नहीं, इसका अपराध का क्षेत्र जो है गोरखपुर नहीं बल्कि आसपास के जो जनपद हैं वहाँ भी उनकी कार्रवाई चल रही थी और लगातार देखिए जीडीए की टीम यहाँ पहुंची है, मकान के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर रही है और हमारे साथ जीडीए के जो अधिकारी हैं वो भी मौजूद है। इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, इनसे भी बातचीत करेंगे इस किस तरह की कार्रवाई हो रही है और क्या कार्रवाई हो रही है। सर, ये राकेश यादव ने ये बिना मानचित्र स्वीकृत कराए हुए लगभग 7000 स्क्वायर फीट के भूखंड क्षेत्रफल पर निर्माण किया है और ये 2 मंजिला निर्माण है लगभग 4000 स्क्वायर फीट में, जिसकी लगभग कीमत 4.5 करोड़ रुपये संपत्ति की। तो उसमें बिना मानचित्र स्वीकृत करे निर्माण पर हम लोगों ने ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया था 29 मई 2021 में, जिसका क्रियान्वयन आज हम लोग करते हैं। इसके पहले उनको नोटिस दी गई थी, उनको पर्याप्त समुचित अवसर दिया गया, नोटिस दिया गया था, इसका डिमोलिशन आदेश भी तामील करवाया गया था उनको और उसके समुचित सुनवाई का अवसर देते हुए ये ध्वस्तीकरण का आदेश कब पास हुआ था और कब कार्रवाई हो रही है, कितना समय मिला था? ये 29 मई 2021 को हम लोगों ने ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया था और उसके बाद हम लोग इतने समय बाद अब कार्रवाई कर रहे हैं। विनय, जरा जीडी के अधिकारी से पूछेगा क्योंकि लगातार माफियाओं पर शिकंजा कस रहे हैं, तो क्या अभी और भी कुछ इस तरह के अपराधी हैं जिन पर आगे भविष्य में शिकंजा कसा जाएगा, उनकी भी अवैध संपत्ति कुर्क की जाएगी या सील की जाएगी, गिराई जाएगी? अभी बात की जाए तो गोरखपुर में माफियाओं पर शिकंजा कस रहा है, तो क्या अभी कोई ऐसे अपराधी हैं जिनके ऊपर अभी फिर कार्रवाई होनी है? नहीं, जिला प्रशासन के निर्देश पर, हमारे उच्च अधिकारी के निर्देश पर ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और बहुत जल्दी हम दो और भी कार्रवाई करने जा रहे हैं। क्या लगता है कुछ और माफिया जो गोरखपुर के उनके ऊपर भी बुलडोजर चलेगा? नहीं, जैसे जैसे निर्देश मिलते जाएंगे कार्रवाई करते जाएंगे। तो देखिए, इनका कहना है कि जिला प्रशासन की तरफ से जो निर्देश मिलते हैं जिस तरफ से कार्रवाई होती है लगातार कार्रवाई चलती रहती है। देखिए, ये जीडीए का जो है बिल्कुल, और देखिए कैसे यहाँ पर एक माफिया पर शिकंजा कसा जा रहा। बहुत बहुत शुक्रिया विनय हमारे सहयोगी, देखिए गोरखपुर से ग्राउंड जीरो से बता रहे थे कि कैसे बुलडोजर अपना काम कर रहा है, कैसे यहाँ पर जमीन दोज किया जा रहा है जो अवैध संपत्ति है।